नमस्कार, व्यापार की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकित और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। ग्लोबल बाजारों से मिले संकेतों से आज भारतीय शेयर बाजार की मिली जुली शुरुआत हुई। कारोबार की शुरुआत में सेंसेक्स 26.64 अंक यानी 0.08% बढ़कर 33,653.61 पर और निफ्टी 2.10 अंक यानी 0.02% बढ़कर 10,333.70 पर खुला। 13,600 करोड़ रुपए के पीएनबी बैंक घोटाले के आरोपी नीरव मोदी और मेहुल चौकसी की कारगुजारी सामने आने से एक साल पहले ही केंद्रीय सतर्कता आयोग ने ज्वेलरी सेक्टर में अनियमितता को लेकर खतरा जाहिर किया था। पीएनबी के एक साथ एजेंसियों ने अगर सतर्कता बरती होती तो आरोपियों पर समय रहते ही शिकंजा कसा जा सकता था। इनिशियल पब्लिक ऑफर का ड्रीम रन खत्म होता दिख रहा है, भले ही यह कुछ एक समय के लिए ही हो। हाल ही में आए कई आईपीओ की लिस्टिंग कमजोर रही है और इधर मार्केट सेंटिमेंट भी अच्छा नहीं है। देशभर के पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट होल्डर्स मई से सारी सर्विसेज ऑनलाइन ले पाएंगे। इससे पोस्ट ऑफिस के 34 करोड़ बचत खाता धारकों को फायदा होगा। सरकार ने पोस्ट ऑफिस अकाउंट्स को इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक से लिंक करने की अनुमति दे दी है। दिवालिया कंपनी बिनानी सीमेंट पर कब्जे की जंग में अल्ट्राटेक की जीत की संभावना बढ़ गई है, क्योंकि बिनानी को कर्ज देने वाले बैंकों ने आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी की बोली का समर्थन किया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए एमएस टीवी के साथ। नमस्कार। जेनाविन सेल्स, घरेलू आटा चक्की की शानदार रेंज, घर का आटा, शुद्ध आटा, घर में ही पीसे, मिलावट से बचे। जेनाविन सेल्स, नियर भारत टॉकीज, फर्स्ट फ्लोर, हमीदिया रोड, भोपाल।